अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम देखेंगे, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। क्रिस्टोफर मार्लो जो था, ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ विलियम शेक्सपियर, ड्रामाटिस्ट है, और उसकी पोएम है कम लिव विद मी एंड बी माय लव एंड वी विल ऑल द प्लेयर्स प्रूव दैट वैलीज ग्रूव्स हिल्स एंड द फील्ड्स वुड्स एंड द स्टीपी माउंटेन्स शील्ड। यहाँ पे वो बेसिकली अपनी बिलव्ड को दावत दे रहा है। शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को, तो ही इज लिविंग इन द रूरल एरिया और इट सीम्स के हिज बिलव्ड इज फ्रॉम द अर्बन एरिया, तो इसलिए वो दावत दे रहा है कि कम एंड लिव विद मी एंड बी माय लव, कि आप शहर छोड़कर मेरे पास गांव में आ जाएं। एंड वी विल ऑल प्लेयर्स प्रूव, कि वो सारी खुशियां जो एक देहाती उसमें, दैट वैलीज ग्रूव्स हिल्स एंड द फील्ड्स, ये डेफिनेटली देहाती फिनोमेना है, यानी रूरल लैंडस्केप जिसे कहते हैं ना, कि वैलीज ग्रूव्स हिल्स एंड द फील्ड्स वुड्स जंगलों को कहते हैं, स्टीपी माउंटेन्स झील, यानी वो तमाम खुशियाँ जो वैली से, ग्रूव से, हिल से, फील्ड से, वुड्स से और स्टीपी माउंटेन से, झील्स का माना प्रोड्यूस होती हैं, तो वी वुड हैविंग ऑल दोज प्लेयर्स हियर एंड वी विल सिट अपॉन द रॉक्स सीइंग द शेफर्ड्स फीड देयर फ्लॉक्स। और मजीद उसको ब्यूटिफाई करता है कि मतलब वी वुड बी सिटिंग असाइड और शेफर्ड्स जो हैं वो अपनी भेड़े चरा रहे होंगे, देयर फ्लॉक्स बाई शैलो रिवर्स टू हूज फॉल्स, और पहाड़ों के ऊपर से हल्के हल्के दरिया जो बह रहे होते हैं, छोटे छोटे रिवलेट्स जो होते हैं, कहते हैं वो भी हम देखेंगे। और मेलोडियस बर्ड सिंग्स मैड्रिगल्स, जो परिंदे जो है वो खुशी से गीत गाते हैं, वो भी हम सुनेंगे। बेसिकली इसमें अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है कि खुदा ने देहात बनाए हैं, जंगल बनाए हैं और इंसान ने शहर बनाए हैं, और वो कहते हैं कि अब तू ही बता कि बन अच्छे, बन मीन्स देहाती एरिया, बन अच्छे के शहर अच्छे ना। तो रूरल लैंडस्केप में दिस ये पोएम है। एंड आई विल मेक दी बेड्स ऑफ रोज़ेस, और वह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए फूलों के गजरे बनाऊँगा, एंड अ थाउजेंड फ्रेगनेंट पोएजीज, पोएजी से मुराद यहाँ पे शायरी है, कि ऐसे ही मतलब मैं तुम्हारे लिए शायरी करूँगा जो कि फ्रेगनेंट होगी, खुशबूदार होगी, अ कैप ऑफ फ्लावर्स एंड अ कर्टल, और एक फूलों की जो है ना कैप बनाऊँगा और कर्टल जो है वो कंगन बनाऊँगा, एम्ब्रॉयडर्ड विद ऑल लीव्स ऑफ द मर्टाइल, यानी जो बेहतरीन किस्म के पत्ते, यानी हम ये बनवाने जाते हैं ना, क्या नाम है, गुलदस्ते, तो उसमें ख़ास किस्म के वाइट कलर के जो लीव्स होते हैं वो महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन गुलाब से भी ज़्यादा महंगे होते हैं, और दे ऐड द ब्यूटी, अ गाउन मेड ऑफ द फाइनेस्ट वूल, और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गाउन बनाऊँगा जो कि फाइनेस्ट वूल से, वूल क्या नाम है, भेड़ और बकरी की ऊन से बना हुआ होता है, विच फ्रॉम आवर प्रिटी लैम्ब्स वी पुल, कि हम अपने प्रिटी लैम्ब से निकालते हैं, तो उससे मैं आपके लिए गाउन बनाऊंगा, फेयर लाइंड स्लीपर्स फॉर द कोल्ड, सर्दी से बचने के लिए फेयर लाइन माना अच्छी लाइनिंग के साथ जो है ना, स्लीपर्स माना जूते होगा, यानी जो चुभने वाले नहीं होंगे, विद द बकल्स ऑफ द प्योरेस्ट गोल्ड, और उसके ऊपर जो तस्मे होंगे, बकल्स जो होंगे, दे वुड बी मेड ऑफ द प्योरेस्ट गोल्ड, अ बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ एंड लेवी बर्ड्स विद कोरल क्लैप्स एंड एम्बर स्टड्स, एंड इफ दीज प्लेयर्स मे दी वू कम लिव विद मी एंड बी माई लव, और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉ का बेल्ट बनाऊंगा जो टिंके होते हैं, और उनके ऊपर फिर एवरी बर्ड्स, यानी खूबसूरत जो है वो बर्ड्स जिसे इस तरह के बटन्स होते हैं वो बनाऊंगा, विद द कोरल क्लैप्सेस एंड एम्बर स्टड्स, उनके ऊपर स्टड्स होंगे, और क्लैप्सेस मतलब ना छोटी छोटी
स्टड्स टाइप के ही होते हैं ये। और कहता है कि अगर ये सारी खुशियां तुम्हें मूव करती हैं, तुम्हें अच्छी लगती हैं, मूव का माना था बह जाना, खुशी में बह जाना, अगर इफ ऑल दीज प्लेयर्स मूव दी, अगर ये सारी खुशियां तुम्हें अच्छी लगती हैं, तो फिर आओ और मेरे साथ मेरे गांव में रहो। द शेफर्ड्स स्वैंस शैल डांस एंड सिंग फॉर दाई डिलाइट ईच मे मॉर्निंग। अंग्रेज जो है वो बेसिकली मे मॉर्निंग को जो है ना, मे मंथ मंथ ऑफ मे को जो है ना वो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो वो कहते हैं कि शेफर्ड्स की जो स्वान्स हैं वो डांस करेंगे और गाएंगे तुम्हारे लिए, फॉर दाई डिलाइट, तुम्हारी खुशी के लिए। और ये मजे की बात यह कि दिस इज नॉट फॉर अ वन टाइम, दिस इज फॉर ऑल टाइम, यानी ईच मे मॉर्निंग, हर मे की सुबह को वो तुम्हारे लिए गाएंगे। और कहते हैं कि इफ दीज डिलाइट्स दाई माइंड में मूव, अगर ये खुशियां तुम्हारे दिमाग को अच्छी लगती हैं, देन लिव विद मी एंड बी माई लव। इसमें बेसिकली शायद जो है ही इज फ्रॉम द रूरल एरिया, और रूरल एरिया की ब्यूटीज को उसने ब्यूटीफाई मजीद ब्यूटीफाई करके यहाँ पे ये अगर देखा जाए कि तो सेंसुअल जो है, यानी सेंसेस, फाइव सेंसेस के हवाले से, यानी सिंगिंग जो है वो तो एयर है, स्टड्स जो हैं, और सॉरी जो एम्बर है दैट इज टू बी स्मेल, और व्यू की साइट की इमेजरी उसने यूज़ की है, साउंड्स की इमेजेस उसने यूज़ किए हैं, ये बेसिकली अर्बन एरिया की लैंडस्केप्स को ब्यूटीफाई करके उसने रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू।